फिर चलाने में इस गाड़ी को मजा था। इसका स्टीयरिंग जो अब आई है ना उससे लाइट है। बाकी भाई कभी आपने देखा फुल टैंक में ये कितना किलोमीटर चल जाती है गाड़ी? यार क्वेटा की तो बात ही अलग है, हुंडई के फैंस या कुछ भी कहो, डीजल गाड़ी चलाने में अलग ही मजा है। तो जी भाई ये है अपनी वीडियो का सेकंड पार्ट, क्वेटा हुंडई डीजल 2019 एंड ये SX Wagoneer नी मैनुअल वर्जन में। तो अभी हम इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है गाड़ी का। 5 साल हो गए गाड़ी को एंड गाड़ी चल चुकी है 75,000 किलोमीटर। तो जी गाड़ी स्टार्ट है, सीट बेल्ट लगा लेते भाई। एंड ये क्या लगाया भाई जी? क्लच थोड़ा सा हैवी हो गया इसका। बट गाड़ी यार भाई चलने में बिल्कुल स्मूथ है, BS4 गाड़ी है ये। BS6 में तो शायद इंजन में चेंजेस कर दिए गए हैं एंड बाकी विजिबिलिटी वगैरह गाड़ी की अच्छी है, शीशे वगैरह अच्छे साइज में है तो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। जो अब नई वाली आई है उसको थोड़ा सा एयर डायनेमिक बना दिया। एक इसमें आपको ये दिखा होगा पार्किंग का, ये थोड़ा सेंसर में मिट्टी आ गई होगी इसलिए ये हो रहा है, नहीं तो हैंडब्रेक तो नीचे ही है भाई गाड़ी का। कहीं आप सोचो कि ये पार्किंग का इसका ख़राब हो गया, सेंसर में मिट्टी आ गई होगी, वो बस साफ़ हो जाएगा। हाँ नहीं पिकअप अच्छा है, 126 BHP और 260 NM टॉर्क सही है। हॉर्न इसका वही है ना कंपनी वाली है ये आई सामने से, ये वाली सी है मेरी। इसका स्टीयरिंग जो अब आई है ना उससे लाइट है। सस्पेंशन वगैरह भी बहुत बढ़िया है गाड़ी का, बिल्कुल अभी कोई काम नहीं करा भाई कभी, जो है आई कंपनी से ही है ना। तभी लोग हुंडई लेते ज़्यादातर, वो भी क्वेटा इतनी फेमस है आप लोगों को पता ही है। स्टार्टिंग में ना हाँ सबसे ज़्यादा यही पसंद आई थी लोगों को, ये उसमें भी था बगने में भी था। हाँ अब वाले में पीछे डिस्क आते ना है ना, हाँ इसमें आगे बस हाँ पीछे डिस्क आता है इसमें। अभी देखो 14.9 का एवरेज दिखा गई, अभी 15 दिखा गई थी गाड़ी मेरे खेसने से पहले, तो एवरेज तो गाड़ी की अच्छी है ही। बाकी भाई कभी आपने देखा फुल टैंक में ये कितना किलोमीटर चल जाती है गाड़ी फुल टैंक? कभी नोटिस नहीं है, पर एवरेज अच्छा है इसका, मतलब हाईवे पे 20-22 अगर मैं लंबी रूट पे कभी जयपुर अपन गया हूं तो 20-22-23 तक निकाला है दे देती है 20-22। ये तो छठा गियर तो है इसमें, सिक्स्थ गियर तो उसकी वजह से हो जाता है। ये हाई स्पीड पे टाइट हो जाता है स्टीयरिंग, हाई स्पीड पे हैवी हो जाता होगा ये है ना। जो अब वाली आई ना उनमें शायद वो वाला फीचर हटा दिया है क्योंकि उनका स्टीयरिंग पहले से थोड़ा सा इससे लाइट टाइट दे दिया हैवी, या तो शायद स्पोर्टी के लिए दे दिया कि स्पोर्टी डिजाइन के लिए। बाकी इसको कंपेयर करते थे आपका 4D को स्पोर्ट से कंपेयर किया गया इस गाड़ी को, एंड ब्रेजा हो गई उससे कंपेयर करते थे इस गाड़ी को। तो इको स्पोर्ट में तो देखो अलग है वो चीज़, उसकी ड्राइविंग डायनेमिक्स अलग है बट स्पेस इसमें ज़्यादा है उससे, इको स्पोर्ट थोड़ी सी कम लगती है स्पेशियस, इसका स्पेस बहुत ज़्यादा अच्छा है। डिज़ाइन इसका सब एग्रेसिव लगता है ना। हाँ बट चलो ये आती भी तो कितने 16 लाख की ली थी ना आपने? 16.90 मतलब 17 तक की पहुँच गई थी गाड़ी है उस टाइम पे, तो 19 में। इसमें क्रूज कंट्रोल भी आता है तो ये ऐसे सेट होता है इसमें।
जैसे पहले दबाना पड़ता था घूस, उसके बाद नीचे का दबाओ। हाँ जैसे मेरी i20 है ना, उसमें आप दबा दो बस एक्टिवेट। यह ईगो स्पोर्ट का स्टीयरिंग थोड़ा हैवी है प्लस, बट उसके ड्राइविंग डायनेमिक ज़्यादा अच्छे है इससे। सस्पेंशन उसका स्टिफ है, इसका हैवी है, इसका मतलब सॉफ्टर साइड में दिया हुआ प्लस, पर ये स्पेशियस है और उसका स्टीयरिंग बहुत ये लाइट है, तो बंदे को ना थकावट नहीं होगी चलाने में। हाँ ये स्मूथ चल रही है अकॉर्डिंग फोर्ड ईगो स्पोर्ट। हाँ यार नहीं सही, वो तो देखा ही है मैंने। या कुछ भी कहो, डीजल गाड़ी चलाने में अलग ही मजा है, क्योंकि पेट्रोल में नहीं है। BS4 में ज़्यादा मज़ा और BS6 में भी पावर थोड़ी सी वो कर दी है डाउन। या वो गवर्नमेंट के अब तक अपने नॉर्म्स है, क्या कर सकते हो उसमें। अब हम आ चुके भाई हाईवे पे, ये लगा दिया मैंने छट्टा। अब आप गाड़ी अपना आराम से चलाओ, आपको बड़ी एवरेज देगी गाड़ी। एंड ये देखो ये आ गया आपका एवरेज मीटर आ गया। अब आपके आपको यहाँ पे कंपनी की तरफ से ही मैप मिल जाता है, जो कि ये पुराना वाला है, अपडेट तो हुआ नहीं होगा ये ना। हाँ इसमें कार्ड लगता है। अब ये वैसे कैसे जाएगा? हाँ नहीं वो जैसा भी आया था पहले, ये वाला i20 भी आता था ना, ये वाली स्क्रीन जो डीजल i20 है। एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो दोनों ना है ना। हाँ लेकिन वायरलेस नहीं है इसमें। वायरलेस नहीं ना। हाँ हाँ मैं ये वाली i20 में वायरलेस है। बाकी भैया आप इसको गाड़ी को 100-120 चलाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं देगी, गाड़ी मस्त स्मूथ चलती है हाईवे पे। एंड इसके शीशे भी इतने बड़े बड़े हैं ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई विजिबिलिटी में। बस भाई ने थोड़े से शीशे टेंट कराए हुए, तो वो तो चलता है इतना, तो जाली लगाई नहीं है। बाकी इसकी हैंडलिंग भी सही है, थोड़ा सा बॉडी वॉल है गाड़ी में, ज़्यादा नहीं है, बहुत हल्का सा है जैसे कटिंग वटिंग पे करते तो। बाकी आपको यहाँ पे भी मैनुअल ये मिल जाता है। ऑटो, अच्छा ऑटो हेडलाइट नहीं है ना इसमें, ऑटो हेडलाइट। ये पसंद है मुझे CRV, ऑल व्हील ड्राइव। हाँ डीजल भी है पेट्रोल भी है। आप इतने लेते हो भाई इसको? हाँ पुष्कर तक गए थे जयपुर में, पुष्कर इधर हम कितनी बार वैसे पहाड़ों पर गई है। हाँ वैष्णो देवी इधर भी। अच्छा अच्छा तुम्हारा शिमला भी, नैनीताल भी जा चुके हैं। और बढ़िया गाड़ी परफॉर्मेंस दी है, कहीं वहाँ पे दिक्कत विक्कत नहीं थी? बाकी आजकल गाड़ी में तो वो आता है एड ब्लू नहीं आता। हाँ, इसमें तो है ही नहीं वो सब नीड, वो तो देखना पड़ता है कि भैया ये वो भी है कि नहीं है डीजल के साथ साथ। हाँ इसमें चलो वो सब है नहीं, इसमें तो आप अपना डीजल डलाओ, सर्विस कराओ गाड़ी की, मस्त आपको गाड़ी चलने में लगेगी। प्लस पावर भी ऐसी नहीं है उनमें, जो इसमें फील है ना वो उनमें वो फील नहीं है। बाकी एसी है आपका भाई, गाड़ी का बिल्कुल चिल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस ऊपर से घुमा हुआ मैं। बारिश स्टार्ट हो गई, मतलब वहाँ नहीं हुई अपने वहाँ अब हो गई। फोन आया जो मेरी i20 ना, उसमें वायरलेस सब कुछ है वायरलेस, बट जो उसका टॉप आता ना बिल्कुल जिसमें सनरूफ आती है उसमें नहीं है। आपको शायद याद होगा जब मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिला था, मेरे पास ब्लू कलर की i20 थी, ब्लू वाली, उसमें नहीं था वो टॉप थी बिल्कुल, उसमें नहीं आता था, उसमें वायर वाला था। और मानोगे वो चोरी भी हो गई थी, ये हमारी वाली मिली मेरठ में, दिल्ली में चोरी हुई थी, CCTV में सब आया, जबकि गाड़ी भैया ढकी हुई थी कवर्ड ऐसे जहाँ का उसने। अच्छा कैसे ले जा, चाबी जैसे पता नहीं है वो 3 फॉर्चूनर नई, 6 क्वेटा निकली और 2 i20 निकली टॉप मॉडल, एक आपकी वाली एक दूसरी वाली जो स्कैनिंग करती है। लो एंड टॉक पिकअप इतना बढ़िया है, छोटे से गियर मुड़ जाती है फटाक से। अब देखो चौथे पे हूँ मैं, अब मुझे खींचते हैं तो दो लो गियर दे दी, देखो टर्बो चालू, जो 1.4 थी वो उसमें इतना नहीं था, वो दब के चलती थी। अच्छा थोड़ी चलती। हाँ वो दब के चलती थी, इसमें काफ़ी अच्छी फील आती थी, वो भी पावर मिलती ना
ठीक है, थोड़ा सा सस्पेंशन जैसा बताया ना इसका, थोड़ा सॉफ्टर साइड में है, तो थोड़ा सा रोलिंग है इसमें, बॉडी रोल है, उस टाइप का वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि बिल्कुल ही हाँ यूज करके निकाल लो, थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि इसका स्टेयरिंग भी तो लाइट है, काफ़ी लाइट दिया है। हाँ लाइट अच्छा खासा लाइट है, जो कि हाई स्पीड पर टाइट हो जाता है, हैवी हो जाता है, 80 की स्पीड 70 के बाद जाके हैवी हो जाता है। ये ना ये तो अभी भी नहीं आता, जो टॉप वाली आती है उनमें भी अभी नहीं आता, i20 जैसे मेरे पास है उसके स्पोर्ट्स है उसमें आता है, पर टॉप में दिया ही नहीं, बताओ इसका मैप अपडेट हो जाता है कहीं से? ये कंपनी में जाके होगा, कार्ड लगाना पड़ेगा, कार्ड लगता है इसमें, एक कार्ड तो है इसमें लगा, उनको ज्यादा वो नहीं, नहीं वो कंपनी लगाएगी एक अपना कार्ड। तो जी भाई इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ, बाकी आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो गाड़ी के रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन।